हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर टू में। लेक्चर वन में बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको सिखा के गया था, और आज लेक्चर टू में हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं आज से। वो एक डायलॉग याद आ रहा है कि क्या सोचा था नहीं आएंगे, लो फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है यानी कि उसके जीरोस निकालने हैं बच्चों, तो तीन मेथड बनाए मैथमेटिशियन ने। पूरा मैंने क्या कहा था, पूरी पीएचडी करानी है मैथमेटिक्स पे, पूरी पीएचडी, कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो तीन मेथड है बच्चों किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तीन मेथड। एक फैक्टराइजेशन मेथड, सर आता है बहुत सिंपल है, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। अगर आप तीन टाइप के सवाल करना जानते हो फैक्टराइजेशन से, तो ये लेक्चर मत देखो, कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो तीन टाइप के सवाल नहीं कर पाए तो यहीं बैठे रहो, यहीं बने रहो एंड तक, उठ के भी मत जाना कहीं भी, बिकॉज ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड एक बनाया गया था, सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सभी ने सुना होगा, श्री दाराचार्य का रूल, वो यहीं से बना हुआ है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक इस मेथड से भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फैक्टराइजेशन से सिर्फ लिमिटेड ही सॉल्व होता है, सिर्फ कुछ टाइप की इक्वेशन ही सिर्फ फैक्टराइजेशन से सॉल्व होती हैं, जिसके फैक्टर भी नहीं बनते। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हर टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकती है, पता है क्या बात है आपको। और तीसरा, इसी से एक सिंपल फॉर्मूला बना लिया गया, बिकॉज ये बड़ा लेंथी पड़ रहा था, लेकिन तुम्हारे सर ने उसको भी सॉल्व कर रखा है। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी, और इसका मैं अपन प्रूफ कराएंगे अगले लेक्चर में आएगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन श्री धाराचार्य ने ड्राइव किया था। तो मैं तो श्री धाराचार्य का ही नाम लूंगा, श्री धाराचार्य फॉर्मूला। आज की बात फैक्टराइजेशन के ऊपर है बच्चों, आज का ये दमदार लेक्चर फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये तीन मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। सर बहुत आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ऐसे ऐसे उड़ाया था हमने क्लास 8th में, आपको पता नहीं है। चलो कुछ तो क्लास टेन में लेवल बढ़ाऊंगा ना। इसमें मैंने बच्चों टाइप बांट दिए हैं, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं ना आपके, ऐसे ही नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, नोट्स बनाते चलो। तो मैंने इसमें बना दिए टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। यार फैक्टराइजेशन में भी कोई टाइप पढ़ाता है क्या, पढ़ लो मन लगा के। टाइप थर्ड, अगर ये क्वेश्चन आपको करने आते हैं लेक्चर मत देखो, नहीं आते तो यहीं बैठे रहो। टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, तो ये तो सिंपल बेसिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिंपल टाइप की, बच्चा टाइप की इक्वेशन, बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें से भी ना वहां पर घबरा जाओगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री ए बी एक्स प्लस टू बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं लेक्चर छोड़ दो, मत करो। लेकिन अगर आप इसका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, यहीं जमे रहो, यहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको ये लेक्चर, बहुत कुछ। ठीक हो रही बात। तो टाइप वन में अपन पढ़ाएंगे आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं आरडी शर्मा से, एनसीईआरटी से, बने रहो। टाइप टू पे आ जाओ बच्चों। टाइप टू में मैंने क्या करा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ए के ऊपर रूट लगा होगा, लाइक अंडर रूट टू, अभी दिखा दो। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी पे भी रूट लगा होगा, ये सेकंड लेवल के क्वेश्चन है। ये फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, बड़े आसान सवाल, ये सेकंड लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल सवाल, लाइक अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू रूट टू इक्वल टू जीरो। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ वो तो बन जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर लोगे, लेकिन कॉमन लेने का बहुत बड़ा लोचा है यहां पर, बहुत बड़ा झमेला है यहां पर। कॉमन लेने की ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा इसके अंदर, जो बच्चा कॉमन लेना सीख गया उसका ये क्वेश्चन तो उड़ जाएगा यार। तो बात को समझ लो, अब किस लेवल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं उस बात को समझ लो, उस बात को फील कर लो, मजा आ जाएगा यहीं पर। अगर ये क्वेश्चन करना जानते हो फैक्टराइजेशन से, मत देखो यार लेक्चर। नहीं जानते हो तो शेयर करो, देखो, दोस्तों को बताओ, एक टीचर ऐसा है जो ये सब पढ़ा रहा है 10th क्लास में, मेहनत कर रहा है, दिखाओ सबको वीडियो। ठीक हो रही है बात। चलिए अच्छा, टाइप थर्ड पे आते हैं। टाइप थर्ड पे अपन ने रखा है सबसे मुश्किल टाइप के क्वेश्चन, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस टाइप का सॉल्यूशन अच्छे अच्छे बच्चे से ना हिलने का बच्चों।
क्योंकि ए की मल्टीप्लाई सी से कराओगे यार, देखो क्वेश्चन दिखाते हैं। सपोज कर लो यहां पे ले लिया हमने 2x square, यहां पे ले लिया 2√6, यहां पे ले लिया 6 या 3 ले लो इक्वल टू 0, 2 3 6, अब 6 से रूट 6 कैसे बनाए, फिर उसमें से कॉमन कैसे लें। तो अगर ये क्वेश्चन करना जानते हो फिर से वही बात मत देखो। तो फिलहाल बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला इन तीन क्वेश्चन के चारों तरफ, इन तीन टाइप के चारों तरफ अपना ये लेक्चर आज रिवॉल्व करेगा। हीरो, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो वाली सीरीज हो जाएगी आज ये। मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बोला था, बड़ा दमदार लेक्चर था, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो, बेसिक है। तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन के ऊपर पूरी PhD करने वाले हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, NCERT, RD शर्मा सब मिला के, ठीक हो रही बात। बुक तो कोई सी भी आप उठा लीजिए कॉन्सेप्ट सीखने। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये था आज का इंट्रोडक्शन, ये सब आज आप इसमें सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टाइप फर्स्ट। बाकी जो क्वेश्चन लिखाए थे उन सबके आंसर एक एक करके आपको मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन टाइप वन। टाइप वन में क्या थी? टाइप वन ax² + bx + c, सिंपल से शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जब ये पढ़ लोगे आप, उसके बाद एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा MCQs मेथड के लिए, विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उस पर सेपरेट लेक्चर आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमने उठाया है टाइप वन में, वो हमको दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन वन, 3x² - 14x - 5 = 0। तो टाइप वन है, जिन बच्चों को आता है सो गुड सो बेटर, आगे बढ़ा के देख लें, स्पीड तेज करके देख लें, जहां काम के क्वेश्चन है वहां पहुंच जाए। जिन बच्चों को नहीं आता है यहीं बैठे, सुकून से बैठे और आराम से देखें मैं क्या बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको C की मल्टीप्लाई A से करनी है। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिकॉज अच्छे बच्चों की हमेशा शिकायत रही है टीचर से, और ऐसा टीचरों से भी मेरी भी यही शिकायत है कि दो चार आगे आगे वाली जो सीट्स होती है ना, आगे वाली जो डेस्क होती है, उस पर दो चार अच्छे बच्चे को जमा किया, उन्हीं के आंसर पूछे, उन्हीं को क्वेश्चन दिए, और पीछे वाले तो मुंह देख रहे हैं। तो यार ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है भैया। जिसको नहीं आ रहा है उसको सिखाना चैलेंज है, जिसको आ रहा है वो तो आ ही रहा है। तो सबसे पहले आपको C की मल्टीप्लाई A से करानी है, एक आंसर बन जाएगा AC, जो भी एक कंबाइंड नंबर आएगा रियल नंबर, इसके आपको फैक्टर करने हैं बच्चों, पहले इतना काम तो करें। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करानी है, 15 बन जाएगा, 15 के फैक्टर करने हैं। तो 15 के फैक्टर, एक तो 15 बन जा 15, दो फैक्टर करने हैं, या फिर 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 5 15। इन फैक्टर को आपको आजादी क्या है, ये आजादी है आपको, अब देख लो आजादी क्या है यार, बड़ा बेसिक है। दोनों प्लस के ले लो, आपस में जोड़ के देख लो, एक प्लस का ले लो एक माइनस का, या पहला वाला माइनस का दूसरा वाला प्लस का, या दूसरे माइनस के ले लो, दोनों माइनस के जोड़ लो, या तो दोनों जोड़ लो, या एक माइनस कर लो दूसरे को प्लस कर लो, या उस वाले को माइनस कर लो दूसरे वाले को प्लस कर लो, या दोनों को माइनस कर लो। ये चार काम, इनमें से कोई एक काम करने से बीच वाला नंबर बनना चाहिए। तो 5 को 3 में जोड़ रहा हूं, 5 को 3 से माइनस कर रहा हूं, 14 बनने के तो कोई चांस नहीं है। बात समझ आ रही है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो लेवल। 15 को 1 ऐड कराओ 16, ये बेसिक है ना, इसलिए सिखा रहा हूं, वरना फिर मैं आगे बहुत जल्दी कराऊंगा। 15 में से बन गया 14, लेकिन 14 है माइनस का, तो अपन 15 रखेंगे माइनस का, प्लस का रखेंगे 1, माइनस का 14 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। बस यही इसका बेस है। तो इसके फैक्टर करने के बाद, यानी कि हमने AC की जो मल्टीप्लाई करी उसका जो भी नंबर बना, उस नंबर से एक फैक्टर किए, उन फैक्टर को हमने मिडिल टर्म बना दिया, यानी कि 14 को हमने स्प्लिट कर दिया -15 + 1 में, और 14 है बीच वाला टर्म, इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि हम इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं बच्चों। बात यहां पे सारी खत्म हो जाती है। अब देखो कितना आसान हलवा सवाल था ये, 3 5 15, तो इसको क्या मिला, माइनस का 15x लिख सकते हैं और प्लस का x। सर x क्यों लगा रहे हो, वहां तो आपने -15 + 1 लिया था बेटा, साथ में x भी तो है, तो -15x + 1x माइनस का 14x बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, -5 = 0, ठीक हो रही बात। अब यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू जो कॉमन मिलती है वो ले लीजिए, कॉमन। कॉमन लेना भी कुछ बच्चों को नहीं आता, और एक बात और बताता चलूं आपको साथ के साथ, यार ये मैथमेटिक्स है, जीरो से सीखो। जब भी आप कोई नंबर कॉमन लेंगे तो HCF कॉमन लिया जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
यानी कि आप ये ना सोचे कि छोटी वैल्यू कॉमन लेके काम चल जाएगा, आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम उनका एचसीएफ जो कॉमन मिलेगा वही आपको लेना पड़ेगा। तो 3 और 15 को 3 कॉमन ले सकते हैं आप, और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो एक्स कॉमन ले सकते हैं। जिन बच्चों को अभी भी नहीं आता मैं और समझा देता हूं, जो भी नंबर आप कॉमन लेते हैं उससे आपको डिवाइड करनी पड़ती है वैल्यू, जो बचा हुआ टर्म है वो अपने आप ही आ जाएगा। आज तक कितने बच्चों को यही नहीं मालूम, एक सवाल पे टाइम लगा लो, अगले सवाल को फिनिश फिश फटफट फटफट कर लेना, एक सवाल पे टाइम लगा लो बस, ठीक है ना। और जिन बच्चों को आ रहा है वो आगे बढ़ा ले, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें कि यार टीचर क्या कर रहे हैं पका रहे हैं यार, ये तो समझ रहे हो ना बात को, तो सीख लो यार, उनको भी तो सिखाना है जो नहीं है, जिन जो बेचारों को कोई भी नहीं सिखा रहा है वो कहां जाएंगे, तो सीखो। तो 3x को हमने ले लिया कॉमन, तो जब 3x को कॉमन ले लिया तो इसमें से तो लिया था ये वाले दो टर्म थे, तो 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करोगे 3 से 3 उड़ जाएगा, ये x स्क्वायर है, ये x है, तो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा। लो बिल्कुल ही नन्ना बना देता हूं आपको, बिल्कुल ही नन्ना मुन्ना बच्चा, यहां डिवाइड करके दिखा देता हूं, 3 से 3 उड़ गया, सिखाए तो कोई यार, एटलीस्ट सीख तो जाओ, कहीं से भी सीखो, 1x से 1x उड़ गया, क्या बचा, x बचा, लिख लो यहां पर। अब 15x को 3 से डिवाइड कर लो, यार सीखोगे तो ऐसे ही, लर्निंग में कुछ तो रखो यार, लर्निंग में टाइम जितना वेस्ट कर सकते हो करो। 3, 5 जब 15, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 5 बचा, बीच में माइनस का साइन है। जिन बच्चों को आज तक ये बात नहीं सीख पाए ना प्यारे, आज सीख लो ये, और आपको लग रहा है अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे और आपको लग रहा है आपका साथी बड़ा कमजोर है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दो यार, उसका तो भला हो जाए। ये x और ये 5 क्या कॉमन मिल सकता है, कुछ कॉमन नहीं मिल सकता, और जिसका कोई नहीं है जिसका कोई नहीं उसका गॉड है, मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं है उसका 1 है बच्चों, प्यारा सा 1, जिसका कोई नहीं है 1 उसका साथ देता है। इसलिए दोस्ती हमेशा ऐसे इंसान से करो जो 1 रहे, 1 कभी साथ नहीं छोड़ता, 5 के इंटू में 1 है हमेशा, दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो मित्रता ऐसे ही होनी चाहिए कि 1 की तरह, जो मल्टीप्लाई में होता नहीं, दिखता नहीं है लेकिन हमेशा होता है, साथ होता है। एक अच्छा मित्र सुख में, दुख में, खुशी में, गम में, सब में साथ रहता है, लाइक 1। तो 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्या कॉमन मिल रहा है। अब देखो ये इतना काम करने के बाद आपको एक फैक्टर और ऐसा दिखाई देगा जो सेम सेम बन जाएगा, ये पहचान है इसकी, सेम सेम। तो x माइनस 5 कॉमन ले लो, तो यहां से मैंने क्या कहा था, जो कॉमन लोगे उसे डिवाइड मारो, तो x माइनस 5 से इसको डिवाइड मारो, तो x माइनस 5 उड़ जाएगा, क्या बचेगा 3x, x माइनस 5 से इसको डिवाइड मारो, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, क्या बचा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं आज तक हैरानी में हूं, जब क्लास 9th में क्लास 10th में टीचर ने मुझे पढ़ाया और फिर उसके बाद उसने लिखा आइदर, और आज तक हमारे कुछ प्यारे बच्चे भी हैरानी में हैं, बोले x माइनस 5 को भी 0 रख दिया और 3x प्लस 1 इक्वल टू भी 0 रख दिया, सर इन दोनों को 0 क्यों रखा। तो आप मुझे बता दीजिए, x की अगर हम कोई वैल्यू रखें तो ये कोई ना कोई नंबर बनेगा, रियल नंबर a मान लेते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू रखें तो ये कोई ना कोई रियल नंबर बनेगा b मान लेते हैं, बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन मान लेते हैं, और आंसर इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 से हीरो बनाएंगे, एक एक चीज सिखाऊंगा, इवन मल्टीप्लाई भी आएगी सिखाऊंगा। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है मतलब उनमें से एक नंबर 0 रहा होगा, इट इज कंपलसरी। हाँ सर ये बात सही है, तुम्हें क्या ख्वाब आ रहे हैं, तुम्हें पता है कि कौन सा 0 रहा होगा इनमें से, ये भी 0 हो सकता है, ये 0 होगा तब भी 0 आएगा, ये 0 होगा तब भी 0 आएगा, इसलिए हमने इसको भी 0 कर दिया और इसको भी कर दिया, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। इसकी भी वजह है यार, रटना क्या है कि जब हम यहां पर पहुंच जाते हैं तो दो फैक्टर बनते हैं, उन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, अगर ये बात नहीं रटोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी तो समझना है। अब x की वैल्यू निकालो यार, माइनस 5 उधर जाएगा, x प्लस 5, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे, प्लस 1 उधर माइनस में गया, और ये 3 कहां गया, डिवाइड में गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 और x की वैल्यू आ गई 5। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करना पड़ता है कि वीडियो बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, बराबर चल रही है भैया, ठीक हो रही है ना बात। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, अब कहीं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, साथ के साथ काम को करते चलिए। अब इतना एक्सप्लेनेशन मुझे पहले क्वेश्चन में देना पड़ गया, अब आप लोग वीडियो को पाउज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं होगा तो हम है ही। दूसरा क्वेश्चन है 9x² - 3x - 2, जल्दी से बता दो क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, सर ये कहा था इसकी मल्टीप्लाई से कर लो, 18 बन गया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, वही फैक्टर लेना जो काम के हों, बड़े होंगे
बड़े फैक्टर होंगे तो प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो 6 3 18 हो रहा है, माइनस का 3 बनाना है, यानी कि माइनस का 6 ले लो प्लस का 3 ले लो, 6 3 बन जाएगा माइनस का, ठीक हो रही है ना बात, बस जल्दी चलो काम नहीं है टाइम नहीं है। तो माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, 6 और 9 में क्या कॉमन, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन, एक्स कॉमन, बाकी का कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, 3 3 9 एक्स स्क्वायर से एक्स को डिवाइड करा एक्स बचा, 3 2 6 एक्स से एक्स उड़ गया, 3x-2 ये भी 3x-2, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो 1 कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कॉमन ले लो, कहा था सेम बनेगा, 3x-2 कॉमन ले लो, इसका रह गया 3x, इसका रह गया 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रखोगे ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। अब बताइए कितनी देर लगी, 30 सेकंड भी नहीं लग रहे ना अब तो इसमें। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, सीख लो उसके बाद जितनी स्पीड दिखानी है, जितनी तेजी दिखानी है उतनी तेजी दिखाओ, कोई मना नहीं कर रहा, सीख तो लो पहले, हटा दें चलो भैया, तो कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, मैथ को परफेक्ट बनाऊंगा ऐसा सोच के चला है। चलो तीसरा क्वेश्चन, बड़ा मजेदार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 1/(x-1) ऊपर लिख के आएगा सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। कुछ बच्चे इसमें ना पंगा भी करेंगे कि सर इसको तो हम डायरेक्ट कर लेंगे एग्जाम में, सर कैसे आएगा, लिखा हुआ आएगा बाई फैक्टराइजेशन, अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो जो जो भी मेथड आपको बेस्ट लगा हो एट द एंड, वेदर इट इज फैक्टराइजेशन मेथड, वेदर इट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्री धाराचार्य रूल, जो भी बेस्ट लगे 6/7, और इस टाइप का जब भी आप सवाल देखेंगे तो लास्ट में लिखा होगा एक्स नॉट इक्वल टू, हमको तो यही समझ में नहीं आता था भैया ये क्यों दे रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, -5 नहीं हो सकती, ख्वाब में दिख रहा है इनको क्या, 1 नहीं हो सकती, -5 नहीं हो सकती, ऐसा क्या हो जाएगा, हम तो फिर वहीं पर अटैक करेंगे, वॉट हैपन्स, वॉट विल हैपन इफ एक्स इक्वल टू 1 और -5, रख के देख लो, अगर एक्स को 1 रखवाया 1 में से बन गया 1/0, 1/0 इनफाइनाइट, -5 रखवाओगे -5 + 5 0, 1/0 इनफाइनाइट, इसलिए बच्चों ये इनफाइनाइट ना हो जाए, इसलिए साइड में ऐसा करके छोटी मोटी बातें लिखी रहती हैं, इनको निग्लेक्ट मार दो, लेकिन अपन ने तुम्हें समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है यार, ये पता होना चाहिए ना। चलो जल्दी से क्या करोगे, इस टाइप का सवाल आएगा एलसीएम लोगे, x-1 x+5, इस टाइप का बच्चों का एलसीएम लेना नहीं आता, निंजा टेक्निक लगाओ, बार बार सिखा चुका हूं, इसकी मल्टीप्लाई से करो, इसकी मल्टीप्लाई से करो, इसकी मल्टीप्लाई से कर लो, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, शेर है ना एक जब कोई उम्मीद नजर ना आए, जब कोई सूरत दिखाई ना दे कि भैया सवाल नहीं बन रहा है इस टाइप का, निंजा टेक्निक लगा देना, इसकी मल्टीप्लाई से कर देना, इसकी मल्टीप्लाई से कर देना, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देना, उम्मीद भी नजर आ जाएगी और सूरत भी नजर आ जाएगी, ठीक है, और नींद भी रात भर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी मगर अब नहीं आती, ऐसा ही कुछ शेर था, ठीक है ना बात। चलिए आगे करते सवाल को एंजॉय करते हुए, x+5 इसकी मल्टीप्लाई से करोगे -x-1 इक्वल टू बनेगा 6/7, सवाल चेक मारना पड़ता है भैया, यही है, हाँ यही है, तो x+5 - x+1 ठीक होगी बात, x की x से कराओगे एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस, यार इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, माइनस का 1x और प्लस का 5x, का बचेगा 4x बचेगा, चल जाएगा यार इतना तो डाइजेस्ट कर पाओ, -1 की 5 से कराओ प्लस से तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 6/7 हो जाएगा भैया, x x कैंसिल हो गया, 5 और 1 6 बचा, यहाँ लिखेंगे, और ये बचा अपना x² + 4x - 5। अब सवाल में टाइम नहीं लगेगा भैया, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इससे ये कैंसिल ना हो जाए फिर, तो थोड़ा मजा आ जाएगा, निशाना गलत लग गया, अब सही लग गया भाई, 6 से 6 को शहीद कर दो, खाली मल्टीप्लाई कराओगे यार, तो ये 1 बन जा, ये 1 बन जा, 7 बन जा 7, और x² की 4x की 5 की मल्टीप्लाई कराओगे एज इट इज आ जाएगा x² + 4x - 5, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आओ x² + 4x, 7 उधर आएगा माइनस में, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। अब यार ऐसे बना देना है, बच्चा क्वेश्चन है ये, बच्चा क्वेश्चन, 4 बनाना है 12 के फैक्टर से, 6 2 12, 12 का भैया 12 बन जाए 12 से कोई चांस नहीं है, 4 3 12 से भी कोई चांस नहीं है 4 बनने का, 6 2 12 से चांस है, प्लस का 4 बनाना है, प्लस का 6 ले लो माइनस का 2 ले लो, डन डरा डन, x² + 6x - 2x - 12 = 0, x कॉमन ले लो x + 6 बचेगा, -2x - 12 में से क्या कॉमन ले लो माइनस का 2, ये भी x + 6 बचेगा,
जल्दी बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ सर, हाँ सर। तो x प्लस सिक्स हो गया एक फैक्टर, एक फैक्टर हो गया x माइनस टू इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है जल्दी बोलो, यहाँ लिख देते हैं, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस सिक्स और एक आ जाएगी प्लस का दो। बताइए बच्चा सवाल है ये? तो इस टाइप का कभी भी सवाल आता है फैक्टराइजेशन लिखा हो, एलसीएम वगैरह लेना, निंजा टेक्निक लगाना, सवाल हो जाएगा खत्म। हटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यार मैथमेटिक्स में स्क्रीनशॉट मत लो, मैथमेटिक्स में नहीं लेना है, खुद से सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा है तो ठीक है सॉल्यूशन देख लो, मगर ये कॉपी पेस्ट करना मैथमेटिक्स में तो अलाउ नहीं है भैया, ये तरीका नहीं है लर्निंग का। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 48x square, लो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, माइनस का 13x माइनस 1 इक्वल टू 0 निकालो भैया। 48 के फैक्टर बहुत सारे हैं भैया, 13 बनाना है, इतना दिमाग चलता है यार हर बच्चे का, 16 3 48 होता है, हर बच्चे का चलता है इतना, नहीं चले तो करके देखो यार 14 के फिर फैक्टर, ठीक है ना। एक तरीका और बता दूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं चाहता नहीं कि बच्चा कहीं से भी थोड़ा सा महरूम रह जाए। 2 2 4 2 4 8 ऐसे कर लेते हैं, 24 2 24 से और 2 से बन सकता है, 13 नहीं बन रहा, 2 1 2 2 इससे बन सकता है, 2 2 4 और ये 12 12 और 4 16 हो जाएगा, नहीं बन रहा, 2 6 2 2 4 2 8 8 और 6 भैया, 2 2 4 2 8 8 हो गया और ये 6 हो गया, 8 6 14 नहीं बन रहा, 2 3 जा अब देखो 2 2 4 2 8 2 16 यहाँ से 16 बना, यहाँ से 3 बना, 16 और 3, तो इसलिए मैं बोल रहा था इतना दिमाग डायरेक्ट लगा लो यार, ये था, वरना आप ऐसा कर सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 48x square माइनस का 16x, क्योंकि माइनस का 13 चाहिए, तो प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, कॉमन देख लो भैया 48 और 16 में क्या कॉमन मिलेगा, 16 साथ में x, 16 3 48 3x 16 बन जाए 16, माइनस का 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे देख लो जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, फिर से वही बात आ गई इक्वल टू 0। जल्दी बोलो भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बहुत आसान है, 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/16। अब बताइए समझ आ रही है कहानी के नहीं? हाँ सर अंडरस्टैंडिंग तो बन रही है थोड़ी थोड़ी, फैक्टराइजेशन का किस बला का नाम है कैसे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेवल 1 के क्वेश्चन है बच्चों, ये लेवल 1 के, कहाँ तक लेवल सीखना है ये हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, पाउज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। क्वेश्चन है 3x square इक्वल टू माइनस 11x माइनस 10। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, पाउज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, कर लिया ठीक है, हो गया होगा, जहाँ तक है हो ही जाएगा, हो ही गया होगा, जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। 3x square माइनस 11 को इधर प्लस में ले आओ और प्लस में 10 ले आओ, 10 3 जो 30, 30 का कौन सा फैक्टर है जो 11 को राइज करेगा, 6 5 जो 30, 6 5 जो 30 एकदम टक से बात आ जाती है दिमाग में, टक से 6 5 जो 30 बोल दिया मैंने, 6 5 जो 30 और 6 और 5 होता 11, क्या करूं यार अब मैं बताऊं इसको आगे सॉल्व करूं, चलो कर देते हैं। 6x plus 5x, हाँ एक सवाल यार मैं ये चाहता हूं कि आपके सवाल भी खुद से पूछ लूं, मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि एक स्टूडेंट अगर होता और वो इस सॉल्यूशन को देखता तो वो क्या पूछता, बच्चों लिटरली मैं बता रहा हूं मेरे मन में ये बात रहती है कि मैं ये सोचता हूं कि अगर एज अ स्टूडेंट मेरे मन में क्या क्वेरी आ सकती है, तो यहां पर एक क्वेरी आ रही है कि सर 6 और 5 बन गया 11, बिल्कुल सही है, आपको ये कैसे पता लगता है पहले 6 लिखना है पहले 5 लिखना है, जो मर्जी करे वो लिख दो सर, फिर तो कॉमन नहीं मिल पाएगा 3 और 6, मेरे मन में आई यार अभी ये बात, ऐसा सोच सकता है ना कोई बच्चा। अब बात को समझना, मैं किस लेवल तक पहुंचना चाह रहा हूं, दिल को छूना चाह रहा हूं आपके। तो सर अगर आप पहले 5 लिखते तो कॉमन नहीं मिलता, बात तो सही है, करके देखते हैं, यहीं पे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा यार, एक ऐसे करते हैं फिर 5 पहले लिखेंगे, अगर आंसर सेम ना आए तो मुझसे कहिएगा ठीक है। चलो यहां मिलेगा 3x कॉमन, ये मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बहुत कर चुका हूं, आप लोग देख लो, अब ऑनलाइन में हंगामा मचाना है ठीक है, रेवोल्यूशन लेके आना है अब मैथमेटिक्स में। 3x होगी बात,
क्या कॉमन मिला x, 3 2 जा x प्लस 2, 5 और 10x में क्या कॉमन मिलता, 5 x प्लस 2 हो जाता, इक्वल टू शून्य हो जाता। तो x प्लस 2 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस का 5/3। आंसर नोट कर लेना क्या आया था, माइनस 2 और माइनस 5/3। यहां लिख देता हूं माइनस 2 माइनस 5/3। याददाश्त कमजोर है भैया, क्या करें। दूसरा तरीका, 5x पहले लिखते हैं, 6x बाद में लिखते हैं। यार एक्सपेरिमेंट कर लो, अभी 10th क्लास में हो, बहुत टाइम है, सीख लो चीजों को। 11th में इनफाइनाइट सिलेबस है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 3x² 5x, x के अलावा कोई ढेला भी कॉमन नहीं है इसमें। ढेला मतलब नथिंग, लोकल लैंग्वेज में बोलते ढेला मतलब नथिंग, अपने यूपी में बोलते। हाँ भाई, तो 3x और 5, 6x प्लस 10 में क्या कॉमन है, 2 के अलावा ढेला भी कॉमन नहीं है। तो 2 3 जा 3x, 2 5 जा, देखना जरा क्या बन रहा, क्या बन रहा, जल्दी देखो। 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 फैक्टर अभी भी सेम हो गया। अब 3x प्लस 5 कॉमन लेने का डरने का नहीं, और साथ में x प्लस 2 तो बन नहीं ही रहा है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 को उधर भेजोगे 0 के, माइनस का 5/3, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस का 2। जल्दी देखो, माइनस 2 माइनस 5/3 सेम एज बिफोर। समझ रहे हैं ना बात को, आपके अकॉर्डिंग चलेगी मैथमेटिक्स, आप जैसे करोगे वैसे चलेगा, जैसे ये करेगी वैसे नहीं चलेगा काम। बस स्टेप सही होने चाहिए, इस बात पर रहो, बस स्टेप सही होने चाहिए, आप जैसे करोगे आंसर वैसे आएगा, इस बात पर रहो। बहुत एनर्जी के साथ बच्चों लेक्चर चल रहा है, इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहो, कोई रोकने वाला नहीं होगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर जो दो क्वेश्चन मैंने बताए थे ए और बी की फॉर्म में जो आएंगे, अगर ये करते, अगर ये करने आते हैं तो ये वीडियो देखो, नहीं करने आते हैं मत देखो, तो कहोगे ये तो पढ़ाई नहीं, पता नहीं कौन से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बच्चों। तो पहले एक क्वेश्चन अच्छा है वो देख लीजिए एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर आगे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराने हैं वेरिएबल की फॉर्म में, जहां कॉन्स्टेंट भी वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए। ये एक एनसीईआरटी का सवाल है, वन अपॉन, यार अब ये बताओ जब इतने क्वेश्चन कर लोगे अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो ये मुझे बताओ मैथमेटिक्स में बुक का क्या महत्व है। बुक का सिर्फ इतना महत्व है कि सवाल उसमें है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बात खत्म हो गई। चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे वेदर इट इज एमएल अग्रवाल, वेदर इट इज आरएस अग्रवाल, और वेदर इट इज आरडी शर्मा जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब बताओ क्या लिखना चाहिए, सर लिखना चाहिए x नॉट इक्वल टू माइनस 4 और 7, क्योंकि इस पे खेला हो जाएगा। अगर माइनस 4 और 7 हो गया तो इनफाइनाइट का खेला हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट का। चलो सॉल्व मारते हैं, निंजा टेक्निक लगा दो। क्या कहा था, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीदवर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, मगर आजकल नहीं आती, है ना। और मौत तो एक दिन मुयन है, मगर नींद क्यों नहीं आती, ऐसा ही कुछ था यार। ठीक है ना, चलिए एनीवेज, तो x प्लस 4 x माइनस 7 मल्टीप्लाई करा दीजिए, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 3। ठीक हो रही है बात, x माइनस 7 माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन, देखो वही टेक्निक होगी, 11 से 11 उड़ने वाला है अभी। लगाओ भैया फॉर्मूला, लगा लो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7x माइनस का 3x बचेगा। इनकी बुद्धि थोड़ी छोटी है, वो थोड़ा सॉल्व करके देख लें यार क्या दिक्कत है। 7 4 28 प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गई। क्या बच रहा है, 11 अपॉन 3, एक स्टेप आ जाएगा नीचे, बिल्कुल आ जाएगा, x x कैंसिल हो गया, 7 और 4 माइनस का 11, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, 11 से 11 शहीदम हो गए हम, 3 बन जा 3 लेकिन साथ में माइनस, और इसकी वन से कराओगे एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 दूर जाएगा प्लस में, तो बचेगा माइनस का 25, 25 बन जा 25, और 25 से 3 बनाना है बच्चों, 25 से 3 कैसे बनेगा, ये तो गेम हो गया, 5 5 से 25 कुछ गड़बड़ हो गई। तो एक बार तो चेक करना बनता है सवाल को, पता नहीं क्या हो गया। 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 11 अपॉन 30 था, देखो मिल गया। खेला हो जाता, अभी कहते हैं मास्टर ही सवाल में गलती कर दिए, इनको ही नहीं आ रहा तो हमको क्या पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लें, इंसान ही है वो जो गलती करता है। मगर मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ,
जो एक बार गड्ढे में गिरा वो इंसान है, और जो उस दूसरी गड्ढे में दूसरी बार गिरा फिर वो इंसान नहीं है, फिर वो गधा कुत्ता जानवर जो भी उससे जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से लगा ले। तो इंसान गलती करता है मानी एक बात, लेकिन इंसान कभी गलती को रिपीट नहीं करता। तो उनमें से बनिए जो अपनी गलती को रिपीट नहीं करते, अपनी गलती से सबक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उस गलती को कभी भविष्य में रिपीट नहीं करते, उनमें से हो जाइए आप लोग। तो 11/30 कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, यानी कि गड़बड़ यहां से हुई है, जैसे -3 की जगह -30 लिख देते हैं, -30 जब उधर प्लस में जाएगा तो इधर प्लस का 2 बचेगा, ठीक है ना बात। तो ये हो गई कहानी, 2 बन जा 2, और 2 और 1 को अगर प्लस करें तो 3 बन जाएगा, लेकिन माइनस का 3 चाहिए तो माइनस का ही 2x लेंगे, माइनस का x लेंगे, प्लस का 2=0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। और यहां अब एक बात और, ये x माइनस 2 है वो माइनस x प्लस 2 है, यानी कि उल्टा है, यहां x पे प्लस है वहां x पे माइनस है, एक छोटी सी बात है सीख लो, वहां 2 के आगे प्लस है या 2 के आगे माइनस है, उल्टा कॉमन ले लो। तो -1 अगर हम कॉमन लेते हैं किसी भी नंबर या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले तो उसके अंदर के साइन इनवर्स चेंज हो जाते हैं, तो -1 कॉमन लिया तो ये x हो जाएगा और प्लस का 2 ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब देख लो गेम हो गया x-2 तो x-2 और दूसरा हो गया x-1=0 और x की वैल्यू आ गई 2 और 1, 2 और 1। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी बच्चों बातें, ठीक है ना। बस ये है सारी कहानी, ये है सारी कहानी। इनकलाब लाना मेरा मकसद नहीं, बस ये सूरत बदलनी चाहिए, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि सन पूरा हंगामा हो जाए, बस ये लर्निंग की सूरत बदल जाए, जो मैथमेटिक्स को हवा सब्जेक्ट बना रखा है ये सोच चेंज हो जाए। जो बच्चे आज मैथमेटिक्स से घबराते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जा रहा है, सब रटायर हो, बस ये सूरत बदल जानी चाहिए। एक इसी छोटी सी उम्मीद में मशाल लेकर मैं निकला हूं, आप लोग थोड़ी सी हेल्प करिए, बस थोड़ी सी हेल्प करिए, अब रुकना नहीं है। काफ़ी सारे हर्डल आए थे बीच में, आप लोगों को मैं चाहकर भी बता नहीं सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स आए थे बीच में, टेम्परेरी था, वक्त गुजर जाता है, लेकिन अब नहीं रुकेंगे अपन, अब ठान के आए हैं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ गया वही सवाल जिसका इंतजार था। एक बार चेक कर लिया जाए सारा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बैटरियाँ डाउन तो नहीं हो रही है, तो सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ये रहा वो सवाल जिसका था इंतजार, इंतजार हुआ खत्म, करिए सवाल। सर कोई आइडिया इच नहीं है अपने को, ब्लैंक हो गए अपन, तो ब्लैंक होने की जरूरत नहीं है, हम हैं तो क्या गम है, कराएंगे सवाल आपको बढ़िया तरीके से, है कि नहीं। चलिए क्या सिखाए थे, देखो अपने तरीके से नहीं हटना चाहिए, अपने बेसिक से कभी मत हटना जिंदगी में। जो उसूलों पे जो उसूल माँ बाप ने सिखाए हैं, बहुत सोच समझ के सिखाए हैं, वो उनको उनके माँ बाप ने सिखाए थे, उनको उनके माँ बाप ने सिखाए थे, उसूलों से कभी मत हटना। तो उसूल एक क्या सिखाया था, 2b² की मल्टीप्लाई a² से मारो, क्या आंसर आएगा। सर 2b² a² या 2a² b², छोटे क्लास में फैक्टराइजेशन सिखाए गए थे, मैं आपको सिखाता हूं इसको कितना ब्रेक कर सकते हो आप। सर a² को लिख सकते हैं a into a, सर b² को लिख सकते हैं b into b, सर 2 को तो 2 लिखना पड़ा, 2 बन जाए 2, 1 का तो कोई मतलब नहीं, क्या बनाना है 3ab बनाना है। तो 2 के साथ एक a दे दो एक b दे दो, यार थोड़ा दिमाग यार थोड़ा सा तो लगाओ। जब 2 के साथ एक a दे दे और एक भाई a²b² है तो ऐसे लिख दो ना ab, चलो ऐसे लिख दो, बात तो वही आएगी ना, ab की मल्टीप्लाई करो a²b² हो जाएगा। तो एक 2 के साथ ab दे दो एक ab अलग रख दो, अब बताओ बात कसम खा के 2ab और ab क्या होता है। अरे सर खेला हो गया 3ab होता है, देखा ना क्या कहा था, उसूलों पे रहो यार, है ना। जब आ जाए जहां ये उसूलों पर तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बड़े शायर ने एक बात कही थी, मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्रेडिट उन्हीं को दूंगा, मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बात बहुत बड़ी कही थी कि जो आ जाए जहां उसूलों पर तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, समझ रहे हो। दम है तो दम दिखाओ ना यार, तो दिखा दिया दम, देखो अब आप
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए बी एक्स प्लस का टू बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और यहां से हमें दो फैक्टर मिले टू ए बी और ए बी बना दो, लेकिन माइनस का थ्री ए बी चाहिए तो माइनस का टू ए बी रखो और माइनस का ए बी रखो। ये है दम सवाल में, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए बी, साथ में एक्स है तो लगाना तो पड़ेगा, माइनस का ए बी एक्स प्लस का टू बी स्क्वायर बराबर जीरो। इसके बाद मजा आएगा जो टाइप टू है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू ए बी एक्स, एक तो ए कॉमन एक एक्स कॉमन साफ दिखाई दे रहा है, छोटे क्लास में नाइन्थ क्लास में एट्थ क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत खेले थे आपने, इन क्वेश्चन के साथ बहुत खेला था, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं ना बच्चों को, मैं देखता हूं बच्चों को, कुछ बेसिक याद नहीं बचा हुआ है, सिखाया नहीं गया था। ए एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा सर, इसका ए बचा, इसका एक्स बचा, सर इसका ए उड़ गया, इसका एक्स बचा, सर माइनस का टू भी बचा। सही चल लो बेटा, बिल्कुल सही चल लो, ये टू बी स्क्वायर है लेकिन इसके आगे अपन को माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ लो कॉमन जो भी लो, इधर ए है, इधर ए है ही नहीं, इधर बी है, इधर बी है, तो माइनस का बी कॉमन लो, जब माइनस का बी कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा, ए एक्स देख लो, माइनस हटा दो बी हटा दो, क्या बचा ए और एक्स, कहा था जो कॉमन लो उससे डिवाइड मार दो यार, तो टू बी स्क्वायर को माइनस बी से डिवाइड मारोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक बी से एक बी शहीद हो जाएगा, क्या बचेगा टू बी तो बचेगा ना। क्या बोला था हमने बताइए आपको, क्या ये बात नहीं बोली थी, क्या ये बात नहीं सिखाई थी, ए एक्स माइनस टू बी, एक्स माइनस टू बी, बस हो गया गेम, हो गया गेम, ए एक्स माइनस टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स माइनस टू बी, अच्छा दूसरा यार ए एक्स माइनस बी था, ज्यादा जल्दी में मत चलो, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, खुद को बोल लो ठीक है। जब इसको जीरो के इक्वल रखोगे ए एक्स माइनस टू बी बराबर जीरो और ए एक्स माइनस बी बराबर जीरो, यार क्या आर डी शर्मा, क्या एम एल अग्रवाल, क्या आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा के क्वेश्चन है करो, कौन मना कर रहा है, तो 2b तो उधर जाएगा प्लस में और ये a आएगा डिवाइड में, ये x की वैल्यू आ गई, यही आंसर है, और एक x की वैल्यू आएगी माइनस का भी उधर प्लस में जाएगा और a मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, शत प्रतिशत 16 आने सत्य है ये बात कि यही आंसर आपकी किताब में दे रखा है, तो प्यार मोहब्बत से आ रहा है, हटा दें। अगला क्वेश्चन सुन लो फिर टाइप वन को एंड कर देंगे, बहुत पढ़ा दिया टाइप वन, बहुत पढ़ा दिया, बहुत और कितना पढ़ाएंगे बताइए, एक आधे घंटे का लेक्चर शूट करने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में है आधे घंटे का लेक्चर, दो घंटा जाता है लगातार काम करें, और एक घंटे का लेक्चर तो ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था 30 मिनट का था, तो समझ रहे हैं एक घंटे का लेक्चर बनाने का मतलब है 3 आवर्स की मेहनत है, वो 3 आवर्स की, समझ रहे हैं बात को, जितना पर्दे पर दिख रहा है उतना ही नहीं है सिर्फ, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। 4x² प्लस का 4bx माइनस का, अब आएगा भैया असली मजा, इसको करके दिखाओ तो माने, तो वही बात है ना, क्या इस टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्या इस टाइप के क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं क्या स्कूलों में, क्या इस टाइप के क्वेश्चन कोई बच्चा लगा रहा है, क्या इस टाइप के बच्चा कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्वेश्चन सीखिए फिर सीखिए, ये किसके लिए बने ना फिर, आईआईटीज के लिए बने, नीट में नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी वो पढ़ेंगे क्या, ये आप ही को पढ़ने हैं, क्या सिखाया था, उसूलों पर रहो सर, मल्टीप्लाई पहले सी की वैल्यू बोलो, पहले सी की वैल्यू बोलो, तो सर सी की वैल्यू जो है वो यही वाली है, सवाल तो देख ले पहले, हाँ यही वैल्यू है सर सी की वैल्यू, ये माइनस प्लस चेक करना पड़ता है, अगर पता लगे माइनस प्लस कुछ गड़बड़ हो गया दिक्कत हो जाती है, तो सर इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देते हैं हम, क्या बनेगा, तो ये बनेगा सर माइनस का 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सर ये रहेगा, हाँ सर बात तो समझ में आ गई, सर 4bx कैसे बनाओगे, यहां तो a है, a का क्या करोगे बोलो अब, तो इसको तो मतलब ये हो गया कि दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, सवाल गलत है, खत्म सर हटाओ, छोड़ गया टाटा बाय बाय, कुछ तो छोड़ रहे हो तुम लोग यार, पहले इस माइनस को खत्म कर ले, पहले इस माइनस को खत्म कर ले, बताइए तो माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं ठीक है, क्या इसके कोई, मैंने क्या कहा था, बिल्कुल उसूलों पे रहो, मैंने कहा था इसके फैक्टर करने हैं, 4 के फैक्टर चलो 2 × 2 कर लिए, चलो तुम्हारी बात रखी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसने नहीं पढ़ा, कौन ऐसा बच्चा जिसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं पढ़ा, क्लास 8th में, क्लास 7th में, क्लास 9th में, चलो 7th छोड़ दो, 9th में और 8th में किसने नहीं पढ़ा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस ए बी माइनस ए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक फैक्टर बी प्लस ए और एक फैक्टर लिखता हूं बी माइनस ए, एक टू इसके साथ कर दो, एक टू इसके साथ कर दो, मतलब टू बी प्लस ए और दूसरा फैक्टर बना लो टू बी माइनस ए,
जरा इनको सॉल्व करके तो देखो क्या बनेगा, 2b 2a, देखते रहे ना, और ये बनेगा 2b - 2a। इन दोनों फैक्टर को ऐड कराओ, अब ऐड ऐड या सबट्रैक्ट करना होता था, 2a से 2a उड़ गया, 2b क्या बना, 4b बना, देखो गेम हो गया। ये होती है मैथमेटिक्स, ऐसे सीखा जाता है। अब बोलो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या इस लेवल का क्वेश्चन करते हैं आप, क्या इस लेवल का क्वेश्चन लगाते हैं आप? ये मेहनत हो रही है भैया, इस मेहनत पे मेहनत करके दिखाओ, कदम से कदम मिला के चलो, तब मजा आएगा बच्चों, ठीक है बात। ये फैक्टर के लिए मैंने इतना काम आपको सिखाया है, क्वेश्चन तो और है अभी अलग, क्वेश्चन तो जो होगा वो होगा ही। 4x2, 4bx को हम क्या लिख सकते हैं, 4bx को हम लिखेंगे 2, और एक ये वाला a+b लिख लो, वो चाहे माइनस है तो इसलिए हम इसको इसी तरीके से लिख दे रहे हैं, b+ax, फिर 2b - ax, और इस -a²-b² को हम प्लस का साइन बना दे रहे हैं, मतलब माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं, और इसको लिख दे रहे हैं b²-a²=0। चल जाएगा, ये कहां से लिखा, ये यहां से लिखा, अभी आपके सामने नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं उसको इरेज कर दूंगा, पाउज करके नोट कर लीजिए, हो गया ठीक है। आगे देखिए, अब इस b²-a² के तभी तो कॉमन ले पाएंगे, फैक्टर बना लीजिए, b+a b - a = 0, ये सबको एज इट इज लिख लीजिए, 4x² + 2 b+ax + 2 b - ax। देख रहे हैं सवाल का लेवल, अब आप 2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, ढेला भी कॉमन नहीं है, इसके अलावा 2x बच रहा है, 2 कॉमन आ चुका है, x कॉमन आ चुका है, क्या बच रहा है, b कॉमन बच रहा है, a कॉमन बच रहा है, खत्म हो गई बात 2। अब इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं इसके फैक्टर नहीं करता तब भी खेला हो जाता, b - a b - a, तो b - a कॉमन है, क्या बचेगा, इसका बचेगा 2, इसका बचेगा x, इसका बचेगा b+a a+b लिखेंगे हम, तो अब देखो सेम आ रहा है, 2xb + a 2xb + a बन गया फैक्टर, 2x + b + a, और दूसरा फैक्टर 2x + b - a = 0। इन दोनों को जब 0 के इक्वल रखोगे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस का भी उधर माइनस में जाएगा और प्लस का भी ये उधर माइनस में जाएगा, तो माइनस में a+b हो जाएगा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का a+b / 2, यही आंसर है, और x माइनस के उधर प्लस में जाएगा, प्लस का भी उधर माइनस में आएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, ये x की दो वैल्यूज हो गई। अब बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है फिनिश। टाइप 2 की बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफ़ी लेंदी लेक्चर वैसे हो रहा है, इतना लेंदी मैंने सोचा नहीं था, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पाउज करके जैसा भी बने रहा है आपका देख लीजिए, हो गई बात, चलिए रेस करते हैं। इतना लेंदी लेक्चर सोचा नहीं था, 2 लेक्चर शूट करने थे आज, बट लग नहीं रहा है हो पाएगा, रात का 1 ऑलरेडी बज रहा है इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बच्चों, रात का 1, जब आप अपने बिस्तर में ठंड में आराम से सो रहे हैं तब ये लेक्चर शूट हो रहा है, तो काफ़ी मेहनत होती है बच्चों किसी भी काम के पीछे जो आप तक बड़ी आसानी से पहुंचता है। तो टाइप 2 अब आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, √ax² + bx + √c = 0। शुरुआत हम करेंगे यहां से और इसकी एक बेसिक ट्रिक आपको सिखाएंगे। इसका पहला सवाल, 3√5x² + 25x, ठीक है ना, 10√5, भैया सफर लंबा है तो थकान तो होगी, ठीक है ना, तुम निकल सको तो चलो, 3√5x² + 25x - 10√5 = 0, कॉमन लेने कॉन्सेप्ट बताया था, बाकी सब इसमें बिंदास है, अपने उसूलों पे रहो और अपने उसूल से इसकी मल्टीप्लाई इससे करा लो, तो 10 3 जब माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का तो चलो देख ही लेंगे बाद में जो भी गेम बने, सही हो रही बात, माइनस का छोड़ दो ऐसे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करा लो, 10 3 30, √5 की √5 से भी तो होगी, तो साथ में 5 आएगा, समझे, समझ गए, और 35 से कितना हो जाएगा, 150, 150 से 25 बनाना है बच्चों, तो यार आराम से दिखाई दे रहा है, 10 × 15, 15 × 10 150 होता है, और उससे 125 बन जाएगा, लेकिन बात अभी वही है, दिक्कत अभी वही है, क्या कॉमन क्या नहीं कॉमन,
अब ध्यान से सुनना, यहीं पे असली कॉन्सेप्ट कॉमन लेना है इसमें। यह कोई बड़ा काम नहीं था, बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं था, नॉट एट ऑल। 25 है, क्या लिखूं पहले? जानबूझ के 15 लिखूंगा मैं तो, थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, हालांकि 10 लिखे आसान हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या कॉमन लोगे? सर 3 कॉमन ले लें। हाँ ले लो, 3 5 जो 15 हो जाएगा, मगर एक गलती पे हो तुम लोग। ध्यान से देखना, मैं यहां पे तरह बच्चों की तरह दिखा रहा हूं आपको यार। 3 5 जो 15 हो जाएगा, इस 5 को भी तो लिख सकते हो √5। हर चीज को ब्रेक कर लेना उसके आखिरी पार्टिकल तक, तब मिलेगा इसका आंसर। यानी कि 3 भी कॉमन आ सकता है, √5 भी कॉमन आ सकता है, उसके बाद बचेगा क्या? 3 √5 कॉमन आ जाएगा, √5 बचेगा। अगर ये काम आपने सीख लिया, ये क्वेश्चन हो गया बचेगा नहीं। ये काम अगर आपने सीख लिया, अब आप समझ गए होगे फरमान सर किस चीज की बात कर रहे थे। हो गई बात? चलो भैया फिर तो 3 √5 x कॉमन ले लिया, इसका x बच रहा था, 3 5 जो 15, और क्या बचा था जल्दी बोलो, क्या बचा था? √5 बचा था सर, ईमानदारी से। अगर तुम ऐसा नहीं करते, पता है दिक्कत क्या होती? पता है ना दिक्कत क्या होती? देखो दिक्कत क्या होती, तुम यहां 10 कॉमन लेते मैक्सिमम, क्या बचता ये x माइनस √5, और यहां तुमने कॉमन लिया होता सिर्फ 3, तो यह √5 x वैसे ही रखा होता, और यहां 5 रखा होता, क्या करते तुम फिर? वहां तो 10 कॉमन लेना ही लेना था तुम्हें, तो ये सवाल ठुल्लू भी नहीं हो पाता फिर। तो कॉमन वही लेना है जो HCF है, इसके बिना काम बनेगा ही नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना ही पड़ेगा, होना नहीं है इसके अलावा सवाल। समझ हो रही है बात की कि नहीं हो पा रही है? अब तो क्या हुआ, अब तो गेम हो गया। सवाल में बच्चा क्या रहा है? अब x प्लस √5 x, और ये बच रहा है 3 √5 x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स, अरे कहा लिख दिए भैया, x कहां से आ गया? हाँ ठीक, तो x इक्वल टू माइनस का √5 हो गया एक आंसर, और यहां से एक आंसर हो गया x इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 3 √5। इसको अगर हम अपन रेशनलाइज करें √5 अपॉन √5, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 √5, और ये तो हमारा बनेगा 3 × 5, 5 2 10 कर दो, तो ये माइनस का 2 √5 अपॉन 3 आ जाएगा, तो वो आंसर होगा बुक में जहां तक उम्मीद है। सही है भैया, माइनस का 2 √5/3 एक √5/3, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? एक बार रीचेक करूंगा, पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है। 3 √5 x² प्लस का 15 x, 10 3 जब 30, 35 जब 150 बनाई था, ठीक हो गई बात? ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक है। हाँ दिख रही है ना दिक्कत? दिख गई कि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो कुछ गड़बड़ हो गई बच्चों। हाँ लगभग है ऐसे ही, मैंने कहा था ना कि भैया मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या बन रहा है? 10 √5 की मल्टीप्लाई 3 से कराई थी, 150 बना था, 150 के फैक्टर अगर ऐसे ले रहे हैं, 1 + 1 - तब काम बन पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 5 से करते हैं, 5 3 15 0, 30 और 5 ज्यादा बेटर होंगे क्योंकि वहां से साइन। अब यहां पे एक बात और सीखने को मिल रही, मैंने भले ही ध्यान नहीं दिया लेकिन अभी एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिल रही है। वो फैक्टर तो उससे भी 1 25 बन रहा था लेकिन वहां से कॉमन नहीं आ रहा था। ये भी एक सवाल होता, ये भी एक टाइप है सीखने वाला। मैं तो कह रहा हूं अच्छा हुआ एरर हो गई, कम से कम एक चीज तो सीख पाए। 150 के एक फैक्टर बन रहे थे 10 × 15, लेकिन वो दोनों प्लस के थे और यहां पे साइन था माइनस का। जब यहां साइन माइनस का हो जाता है तो यहां एक फैक्टर माइनस का बनना जरूरी है, वरना कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, वो सेम नहीं बनेंगे। एक बन रहा था एक्स प्लस √5 और उधर आ रहा था एक्स माइनस √5, तो इसलिए 3 × 30 × 5 बनेगा 150 ही, और 30 में से 5 जाएगा माइनस, माइनस वाले पे आराम से बन जाएगी बात, यानी कि माइनस वाला इंक्लूड कर लो। तो जल्दी से देख लो, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 3 √5 x² प्लस का 30 x माइनस का 5 x और माइनस का 10 √5, अब आराम से हो जाएगा काम। देखो 30 में से क्या कॉमन लोगे, 3 √5 आराम से कॉमन मिल जाएगा 30 में से, ये x बचेगा। देखो 30, 5 से 30
5 को हमने लिखा रूट फाइव रूट फाइव, ध्यान से देखो, और 3 को तो हम 6 को 3 2 लिख सकते हैं। तो एक 3 कॉमन मिला था हटा दो, एक रूट फाइव कॉमन मिला था हटा दो, क्या बचेगा 2√5 बचेगा, दिख रहा है ना आपको 2√5 बचेगा, किसका प्लस का, आराम से हो जाएगा काम। अब यहां माइनस का 5 कॉमन ले लो, x प्लस का 2√5 बचेगा, ये भी 5 2 10, बस हो गया काम आराम से। बात समझ आ रही है ना, यही तो गेम है। तो x प्लस 2√5 और यहां पे हो गया आपका 3√5x माइनस का 5 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 2√5 और यहां से x की वैल्यू आएगी 5/3√5। एक रूट फाइव से एक रूट रूट फाइव उड़ा दोगे तो √5/3 हो जाएगा, या रेशनलाइजेशन कर लोगे तो वो एरर हो गई। तो मैं तो कह रहा हूँ बेटर हुआ, जो होता है भले के लिए होता है, हर गलती से कुछ सीख सकते हैं। यहीं पे एक बहुत बड़ी बात याद आ रही है, किसी ब्रिटिश, नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि इरेजर आर मेड फॉर दोज हु मेड मिस्टेक। इरेजर उन लोगों के लिए बनती है जो गलतियां करते हैं। इरेजर्स आर मेड फॉर दोज हु मेड मिस्टेक्स। वहीं से एक इंडियन उठा और उनकी बात का जवाब दिया। उस इंडियन का नाम है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि इरेजर्स आर मेड फॉर दोज हु विलिंग टू इरेज देयर मिस्टेक। इरेजर उनके लिए बनती है जो अपनी गलतियों को मिटाना चाहते हैं। और अब आप बताइए, आप किसकी बात से सहमत हैं, उस ब्रिटिश साइंटिस्ट की बात से सहमत है या स्वामी विवेकानंद इंडियन स्कॉलर की बात से सहमत है? तो भैया इंसान है, गलती करेगा ही करेगा। अगर इंसान गलती ना करे तो वो मशीन हो गया। कोई इंसान ऐसा आज तक बना ही नहीं जिसने गलती ना की हो। एक बल्ब भी 1100 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट में बना था, लेकिन इंसान स्मार्ट और कामयाब वही है जो अपनी गलती को ठीक कर ले। समझ में आ रही बात? तो एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है। अच्छा जी, तो एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं। 4√3x² प्लस का 5x, अब आराम से हो जाना चाहिए ये सवाल और बहुत जल्दी करेंगे। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए पाउस करके क्वेश्चन लगाइए, देखते हैं आपसे होगा कि नहीं होगा। पाउस करके क्वेश्चन लगाइए, बताइए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कर लिया, ट्राई कर लिया, हो गया, आंसर निकल गया, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं निकला इधर देखें, 4 2 8 हो जाएगा और √3 की √3 से कराओगे कितना बनेगा 3 24 हो गया। 24 के कौन से फैक्टर हैं जो 5 को जन्म देते हैं? यही फैक्टर है। मैंने कहा था एक माइनस अगर आ रही है बात, देख लो भैया, एक माइनस अगर आ रहा है तो माइनस वाला फैक्टर होना जरूरी है, वरना वो कॉमन लेने में सेम नहीं बन पाएगी बात। तो 8 3 24, 8 में से 3 गए 5 बचते हैं, हो गया काम। तो 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x ले लो, 5 बन जाएगा। स्प्लिट, इसी को तो कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिट हो गया, साथ में 2√3 = 0। हाँ, 4√3, 4 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, क्या बचेगा सर? √3 बचेगा, साथ में x बचेगा। 4 2 8 2 बचेगा, √3x + 2। सर यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, 3 को √3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हो? 3 को लिख सकते हो √3 × √3। तो एक √3 ले लिया, एक √3 तो रह गया, साथ में x रह गया। √3 √3 कॉमन आ गया, क्या बचा? 2 आया, वो भी प्लस का आया क्योंकि माइनस था, माइनस भी कॉमन है, बराबर 0। एक एक चीज को स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो। √3x + 2, दूसरा 4x − √3 = 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2/√3। रेशनलाइजेशन कर लेंगे आप लोग खुद, वरना ये आंसर छोड़ सकते हैं, √3/4। बात खत्म हो गई। अब बताइए, ये वाले सवाल मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है ये वाले सवाल, जिनमें 2 बार रूट आ जाता है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, करके आप मुझे आंसर बताइए। √2x² कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं, माइनस का 3x। ट्राई एंड ट्राई अगेन, अगर कोई दिक्कत आती है तो। ये सवाल आपके होमवर्क में है, करके दीजिए, एक चॉइस आपके लिए। अब आखिरी टाइप, जो बच्चे एक बार में सेटिंग नहीं लगा पा रहे, 2 बार में देख सकते हैं लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, आधा अभी देख लो आधा बाद में देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हटा दें, हो गया। Type 3 सबसे मुश्किल टाइप, पता नहीं इसको क्यों रखा गया है, रखा तो मैंने ही है भैया, देखते हैं कुछ तो दम होगा ना जब मैंने बनाया तो। एक सवाल लेते हैं फिर ट्रिक बताते हैं। एक क्वेश्चन यहां से उठा रहा हूं, √3x² माइनस का 2√2x, इसमें तीनों पे रूट आ गया, इसको बाद में लेंगे, पहले एक सिंपल सवाल से शुरुआत करके आपको समझाते हैं। 3x²
माइनस का टू रूट सिक्स एक्स, एक उसूल इसके नाम। अब ध्यान से सुन लो, टाइप थ्री अगर इस टाइप का सवाल आ जाए जिसमें बी पे रूट लगा हो तो कैसे करेंगे। थ्री टू जा सिक्स, जो भी है उसको एक तरफ लिख दो। अब इसको स्प्लिट नहीं करना है, बीच वाले टर्म को देखना है और जो वैल्यू रूट के अंदर लिखी है रूट सिक्स, इसको अपनी मर्जी से दो बार लिख लेना है मल्टीप्लाई में। फिर से सुनेंगे, वो मल्टीप्लाई एक ही सी से कराइए, उस नंबर को अलग रख लीजिए। इसके फैक्टर सिक्स वन या सिक्स बन रहे हैं और एक टू थ्री या सिक्स बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहे, वो अलग रख लीजिए आप। जो बीच वाले पे रूट लगा है बच्चों, फिर से सुनना, जो बीच वाले पे रूट लगा है उस नंबर को दो बार रख लो रूट में। तो रूट सिक्स सिक्स हो गया और आपके पास नंबर भी सिक्स था, यानी कि अब तो कुछ बचा ही नहीं जो यूज कर ले। सपोज कर लो ये ट्वेल्व होता, सपोज कर लो एक बार ये ट्वेल्व होता, वो अगले क्वेश्चन में सीख जाओगे मैं जो बताना चाह रहा हूं। तो रूट सिक्स दो बार लिख लिया मैंने, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके आ रही है सिक्स, और ये कितना था ट्वेल्व, तो सिक्स टू या ट्वेल्व होता है, यानी कि टू मेरे पास यूज करने को बचा होता, तो टू या तो मैं इधर लगा लेता या तो मैं इधर लगा लेता। लेकिन अभी सिक्स मुझे बनाना था और ये तो आपको करना ही करना है, जिस नंबर पे रूट लगा उसको दो बार लिखो मल्टीप्लाई में। तो रूट सिक्स की रूट सिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे, आंसर क्या आएगा सिक्स, बन गया सिक्स। तो कहो सर मल्टीप्लाई करके तो बन रहा है, ये तो नहीं बना आपका, इनको प्लस माइनस करके देखो, माइनस का रूट सिक्स क्या बनेगा, वही तो कह रहा हूं, प्लस माइनस करके देखो क्या बनेगा, टू रूट सिक्स आ गया। कैसी रही बात, अगले क्वेश्चन में और सीख जाओगे, दो कराऊंगा यार चिंता मत करो। इसकी से मल्टीप्लाई करो, उस नंबर को अलग लिख लो, फिर रूट वाले को दो बार मल्टीप्लाई में लिखो। ये खुद की बनाई हुई टेक्निक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जो भी रूट लगाए ना उसको दो बार लिख लो मल्टीप्लाई में। रूट सिक्स मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट सिक्स की रूट सिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर मिल जाएगा क्या आ रहा है सिक्स। अगर इसमें कुछ बचा होता तो वह नंबर लगा लेता मैं, लेकिन सिक्स था और सिक्स ही मेरे पास वो मल्टीप्लाई करके आ रहा था, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि इन्हीं को प्लस माइनस कराना पड़ेगा। प्लस का रूट सिक्स, प्लस का रूट सिक्स, प्लस का टू रूट सिक्स, एक प्लस का ले लूं एक माइनस का ले लूं, जीरो बन जाएगा। ये है पूरी कहानी, घर की बनाई हुई टेक्निक है, देसी टेक्निक। देखो जरा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का रूट सिक्स एक्स, माइनस का रूट सिक्स एक्स कॉमन लेना आना चाहिए जरा ढंग से। थ्री में और रूट सिक्स में क्या कॉमन मिलेगा, रूट थ्री कॉमन मिलेगा, क्योंकि थ्री को क्या लिख सकते हैं रूट थ्री, और रूट सिक्स को क्या लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट टू। समझ गए। तो रूट थ्री बचेगा यहाँ पे, एक कॉमन लेने का गेम बड़ा खतरनाक है इसमें, इसलिए वो सीखो पहले। रूट थ्री एक कॉमन ले लिया, क्या बचा रूट टू रह गया सर, हाँ शाबाश। इसमें क्या कॉमन लोगे, इसमें कॉमन लो रूट टू, क्या बचा रूट थ्री रह गया इसका, टू थ्री जस एक्स साथ में एक्स। सर माइनस का कॉमन लिया, वहां पे था प्लस का, तो यहाँ भी माइनस का लोगे तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। हाँ ठीक है, सही है बात, माइनस, हाँ माइनस का ही तो चाहिए यार, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो रही है। रूट टू आ गया यहाँ पर, रूट टू की रूट टू से कराऊंगा टू बन जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, और दूसरा भी सेम ही बन रहा है, चलो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। तो एक्स की वैल्यू दोनों रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे, रूट टू अपन रूट थ्री, दूसरा भी सेम ही है, तो इसको भी ऐसे लिख दो रूट टू अपन रूट थ्री, या फिर हमको ऐसे करके लिख सकते हैं, पूरा रूट बना दें टू बाई रूट थ्री लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज हम जानते हैं अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता है बच्चों, और अंडर रूट ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी होता है, बेसिक प्रॉपर्टी है क्लास नाइन्थ की, देख लेना आप। ठीक हो गई बात, अब इसी बात को हम नेक्स्ट सवाल से थोड़ा और क्लियर कराना चाहते हैं, इसी सवाल को, मतलब इसी टाइप को नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर करो। सवाल है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस का फोर रूट टू एक्स प्लस का सिक्स, हाँ अब आएगा इसमें मजा, देखना मेरी बात को सुनना, सिक्स बन जा सिक्स, कहा था एक तरफ लिख लो, जो फैक्टर बनने वो ले लो, सिक्स बन जा बन रहा है, एक टू थ्री जा हो जाएगा, हटाओ गोली मारो, जो भी रूट है उसको दो बार लिख लो अपनी मर्जी से। तो रूट टू दो बार लिख चुके हो, क्या बना टू, टू यूज कर लिया, क्या बचा थ्री। ये बात बताना चाह रहा था यार, ये बात बताना चाह रहा था भाई, रूट टू दो बार तो लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है, फरमान सर की टेक्निक है, क्या बना टू, टू थ्री या सिक्स, यानी कि थ्री बचा है। अब थ्री को तो और ब्रेक कर नहीं सकते, थ्री को करोगे भी तो थ्री बन जा थ्री,
यानी कि मजबूरी या तो थ्री इसके साथ लगाओ या थ्री इसके साथ लगाओ। अब थ्री रूट टू की रूट टू से कराओगे सिक्स भी आने लगा। अब इनको आपस में प्लस माइनस करके देखो ईमानदारी से, थ्री रूट टू और रूट टू कितना बचा, फोर रूट टू। अरे बाप रे, यही टेक्निक है बच्चों, यही तो सिखाना चाह रहे थे हम, इतनी देर से क्या बताना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं यार, समझ गए बात को। तो थ्री रूट टू हो गया फोर रूट टू, लेकिन माइनस का है तो दोनों माइनस के ले लो, बात हो गई खत्म। देखो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री रूट टू एक्स माइनस का रूट टू एक्स प्लस का सिक्स बराबर शून्य। यहां से सिर्फ एक्स कॉमन मिलेगा तो एक्स माइनस थ्री रूट टू बच जाएगा, यहां से माइनस का रूट टू कॉमन लेगा एक्स तो यहां से थ्री रूट टू बच जाएगा इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस थ्री रूट टू और एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों थ्री रूट टू और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट टू। समझ आ गई बात, तो उसूलों पे आ जाए जहां तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। समझ गए बात को, ये थे फुद्दू सवाल है यार ये, एक बार सिखा तो दे कोई बच्चों को, आपको कौन इतना बेवकूफ समझ रहा है जो ये सिखाना नहीं चाह रहा है, क्या आप इतने बेवकूफ हैं? अगर कोई कोशिश करता है तो क्या आप नहीं सीख पाएंगे? आप बिल्कुल सीखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, पूरी उम्मीद है भैया, उम्मीद की मशाल लेकर चले हैं, बच्चों को रास्ता दिखाएंगे, मैथमेटिक्स को तो जगमगाना है भैया, मैथमेटिक्स ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैथमेटिक्स के लिए कुछ तो करके जाऊंगा इस दुनिया में। अब एक सिंपल सा सवाल था, वो दोनों टाइप टू और टाइप थ्री दोनों मिक्स हो गए हैं उसमें, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट टू एक्स माइनस का टू रूट थ्री बराबर जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा लीजिए, वही गेम है। तो टू और रूट थ्री की रूट थ्री से कराओगे थ्री सिक्स, हो गई बात, टू रूट टू आ रहा है बच्चों, क्या कहा था रूट टू को सर दो बार लिख लो, क्या बचा टू, हमारे पास क्या बना है सिक्स, तो टू तो यूज हो गया, क्या बचा थ्री, फिर से वही काम करेंगे थ्री यहां लगा लेंगे, क्या बन जाएगा सर सिक्स बन जाएगा। अब देखो अब मना रहा है माइनस का टू रूट टू, थ्री में से एक रूट टू माइनस कर दें ये बन तो ही ना, जैसे थ्री एक्स में से वन एक्स माइनस करते हो यार, रूट वाली कैलकुलेशन में बच्चों को आज तक दिक्कत है, किसी दिन सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा बेसिक का। थ्री रूट टू में से एक रूट टू माइनस करेंगे क्या बचेंगे टू रूट टू, लेकिन माइनस के हैं तो बड़ा वाला माइनस का ले लो ये वाला प्लस का ले लो, कहानी खत्म गेम खत्म। रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री रूट थ्री, थ्री रूट टू था थ्री रूट टू एक्स और प्लस का रूट टू एक्स, हो जाएगा ना काम, हाँ ठीक है टू रूट थ्री बराबर शून्य। तो क्या कॉमन लें बच्चों, कॉमन लेना पड़ेगा रूट थ्री एक्स, क्या बचेगा बच्चों एक्स, एक रूट थ्री कॉमन आ गया, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, क्या बचा रूट सिक्स, सर कैसे क्या कर दिया ये, इस थ्री को क्या लिखोगे जल्दी बोलो, रूट थ्री एक रूट थ्री कॉमन हो गया, क्या बचा एक रूट थ्री, मल्टीप्लाई में क्या था एक रूट टू, रूट थ्री रूट टू रूट सिक्स, दिमाग लगाओ दिमाग लड़ाओ, रूट टू कॉमन लिया एक्स माइनस रूट सिक्स ये भी बचेगा, इस टू को क्या लिखते हैं सर रूट टू, एक रूट टू कॉमन हो गया क्या बचा रूट टू, मल्टीप्लाई में कौन है रूट थ्री टू जा रूट थ्री इंटू रूट टू जा सिक्स। क्या यार बेसिक बातें भी बतानी पड़ेंगी क्या, ओफो बाप रे बच्चों पैरों में दर्द होने लगा, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं है कुछ तो सीख गए, कुछ तो सीख गए भैया, बहुत कुछ सीख गए, माइनस टू अपॉन थ्री ये दोनों आंसर आ गए, बात खत्म हो गई, यहां पे हमारा लेक्चर होता है फिनिश। बहुत मन से दिलो जान से मैंने आपको तीनों टाइप सिखाए हैं, जरूर बताइएगा, पूरा सपोर्ट दिखाइएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो एक आध कमेंट भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है कुछ भी, किसी बच्चे का कमेंट देख के खुशी तो होती है, कोई क्लैपिंग वाला भेजता है कोई स्माइली भेजता है तो अच्छा लगता है। बाकी जिस बच्चों को भी इसमें दिक्कत है जिनको नहीं आते हैं तो उनसे शेयर भी कर लीजिएगा ये वीडियो, और थोड़ा सा प्यार दिखाइए यार, और बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी ही एनर्जी के साथ मिलूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको पूरा डेरिवेशन कराऊंगा उसका। अब आप कोई भी किताब उठाओ और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं से भी लगा लो, कहीं से भी, और मेल आईडी में हमेशा मेंशन कर रहा हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेल करके भी बात कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय टेक केयर।